बहन, ये बड़ी बहन है, ये अपने पति के लिए, अपने पति के मतलब पति को निर्दोष साबित करने के लिए लड़ रही है, तो एक बहन ऐसी है जो अपने प्रेमी के लिए अपने जीजा जी के ही ऊपर आरोप लगा रही है। यार इतने लगबे छे शादी के बारे में, यार तो अपना मुँह से बोले कि हमारा से जीजा जी शादी करना चाहे चा। नहीं नहीं नहीं, उनका कहना है जीजा जी दूसरी जगह हमारी शादी करवाना चाहते थे। ना सब बात आरती झूठ बोल रहे, आरती के मुँह से हम सुने कहाँ मीडिया में। उसको ये जान लीजिए, पवन यादव आरती यादव के जो है जीजा जी हैं, और पवन यादव के ऊपर आरती ने गंभीर आरोप लगाया है। आरती ने ये बोला है कि हमारे जीजा जी कभी नहीं चाहते थे कि हम पवन यादव से शादी करें, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो है पवन यादव मिल करके हमारी भाभी के साथ और लोगों के साथ पिताजी के साथ छोटू यादव का हत्या किए हैं। और ये जान लीजिए, आरती की बहन है, आरती यादव की सगी बहन है ये। क्या नाम है आपका? कुंदन कुमारी। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से आपके पति के ऊपर, आपके पति पवन यादव के ऊपर आपकी सगी बहन आरती यादव आरोप लगा रही हैं कि उनके प्रेमी का हत्या आपके पति ने किया है, क्या कहना चाहेंगी आप? सब झूठ है। हाँ सब झूठ बोलता हूँ आरती। अच्छा। और अपना बचे खातिर हमारे पति का लगा रहल छी। अच्छा आरती कैसी बचपन से ही मतलब किस तरह का व्यवहार रहा है, आरती किस तरह की लड़की थी, इसके बारे में बताइए। हमें कुछ नहीं जाने छी बताओ का हाल। अच्छा अच्छा, और आरती के बारे में हमें कुछ 2 साल से हम तो नहीं गलिए। अच्छा, और 2 साल से हमारे पति बाहरे में रहे। अच्छा अच्छा, 2 साल से आप मायके नहीं गई हैं और 2 साल से आपके पति बाहर थे। हाँ पति बाहर थे। अच्छा नहीं, आपकी सगी बहन है आरती, ठीक है। आरती का बिहेव व्यवहार आपसे किस तरह का रहता है? आप बड़ी बहन है तो किस तरह से आपका व्यवहार रहता, सम्मान करती थी कि नहीं पहले? सब कुछ तो पहले बढ़िया रहे। हाँ। आप बीच में की कलके नहीं कलके हमारा ठकान नहीं छे। अच्छा, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद किस तरह की हो गई आप लोगों को कोई कुछ पता नहीं? नहीं उसे पता कुछ नहीं है हमारा, कुछ अचानक से हुआ है। हाँ। कहीं ना कहीं छोटू के, जब छोटू से मोहब्बत करने लगी तब उसके बाद ऐसा हुआ है। हाँ। ना? तो आप क्या जवाब देना चाहेंगी आरती को, आरती जिस तरह से आरोप लगा रही हैं, और प्रशासन को क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि प्रशासन आरती यादव के तरफ है इस वक्त, क्या कहना चाहेंगी आप? सबसे हमें गिनती कर जब हमारा आरोप आरती लगा रहे, झूठे चीज सब बात। अच्छा अच्छा, सब आरोप झूठ है। हाँ सब आरोप। ये जान लीजिए दर्शकों, एक बड़ी बहन, ये बड़ी बहन है, ये अपने पति के लिए, अपने पति के मतलब पति को निर्दोष साबित करने के लिए लड़ रही है, तो एक बहन ऐसी है जो अपने प्रेमी के लिए अपने जीजा जी के ही ऊपर आरोप लगा रही है। आरोप क्या कितना सही है कितना नहीं सही है, ये तो जाँच का विषय है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इस मामले का जांच हो? क्या इस मामले का जांच हो, जिस तरह से आरोप लगा रही हैं? इस सब बात झूठे अच्छी तो की करते हैं, झूठ है, झूठ आरोप लगा रही हैं। झूठ आरोप लगा रहे हैं आरती, अपने ये बचने के लिए, अपने बचने खाते। वो तो कह रही है कि उस रात जो है वो आए थे, वो बहुत बात अखनी बोलते। हमारे पति 6 बजे घोड़े में रहे और 5 बजे घोड़े में रहे, अच्छा फोन 6:07-08 बजे निकल लिया। तो पवन यादव के ऊपर गंभीर आरोप भी लगा रही है कि बात झूठ लगा रहा है, वो दूसरी जगह हमारी शादी करा रहे थे, झूठ बोल लगा रहा सब बात। अच्छा उ कथो न लगबे रहे, झूठे बात हो, अपना बचे खातिर हम घबरा के पचा रहल छी। हमरा आवाज नै न उड़बै छ, सब अपना बचे के। ये जान लीजिए दर्शकों, पवन यादव की माता जी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या आरोप जो लगा रही हैं ये सही है? आरोप तो यार इतने लगबे छ शादी के बारे में, यार तो अपना मुँह से बोले कि हमारा से जीजा जी शादी करे चाहे चा। नहीं नहीं नहीं, उनका कहना है जीजा जी दूसरी जगह हमारी शादी करवाना चाहते थे। ना सब बात आरती झूठ बोल रहे, आरती के मुँह से हम सुने छे कहाँ कोनो मीडिया में। अच्छा, कोनो मीडिया में हम आरती के बात कहाँ सुने छे, रहरिया के जो लोग कहे छे अपन शादी करबे ही करबे, तो रहरिया के लोग से सुने छे। और हम आरती के मुँह से कहाँ ये बात सुन रहल छे कि हमारा जीजा जी करे शादी करबे ले कि दोसर ठमा शादी करबे। आप क्या चाहती है, जिस तरह से पुलिस उनको अरेस्ट करके गई है, तो आप क्या कहना चाहेंगी निर्दोष साबित करने के लिए उनको? पुलिस हमारा बेटा, आपके बेटे हैं, हमार बेटा निर्दोष रहे, हमारा बेटा के ऊपर पर आरती आरोप लगल के कलिए बेटा तू निर्दोषी छी, जा बेटा कोर्ट में तू सरेंडर भाई जी। अच्छा। हमार बेटा का हमार अच्छा, सरेंडर आप लोगों के कहने पर किए हैं? हाँ, हम जाकर सरेंडर अपने बेटा कर दे। जाहिर सी बात है दर्शकों, अगर देखा जाए वो जिस तरह से कोई व्यक्ति अगर अपने आप को सरेंडर कर रहा है ना, तो ये जाँच का विषय है, क्योंकि अपराधी
कभी अपने आप को सरेंडर नहीं करता दर्शकों, ये भी बात सबसे बड़ी है। यहाँ पर और लोग हैं, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। अच्छा राजेश जी, क्या कहते किस तरह का व्यक्तित्व उनका था, किस तरह का व्यवहार था पवन यादव का? पवन कुमार बहुत बढ़िया लड़का है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया लड़का। भारती ने आरोप क्यों लगाया? बढ़िया था, आरोप लगा रहा है पवन कुमार कभी घर पे था ही नहीं। अच्छा अच्छा, घर पे कभी नहीं है। उस रात कहाँ थे पवन कुमार? 24 तारीख में आया हुआ है, 24 तारीख को। पवन कुमार कहाँ थे उस रात? 24 वो जो है ना पवन कुमार शादी से किसी का आया हुआ था। अच्छा, दुख संदर। हाँ, 24 तारीख को किसी का शादी में से आया हुआ दोस्त का, और 3 बजे का आया था, और 7:08 पे मेरे पास आया था गाड़ी मांगने के लिए पवन कुमार। पवन कुमार को हम बोले थे कि हम अभी सो के उठते हैं चाय पीते, इसके बारे में छोड़ने के लिए। पड़ोसी है पवन कुमार? हाँ पड़ोसी है हम। अच्छा अच्छा, मतलब जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है? कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, ये जान लीजिए दर्शकों, जिस वक्त मैं आया हुआ हूँ, देखिए गाँव के सारे लोग पवन यादव के, ये दिखा दीजिए गाँव के सारे लोग, इधर देख सकते हैं सब लोग आ गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दर्शकों, कोई अगर निर्दोष है व्यक्ति तो सब लोग आ जाते हैं, अगर वो निर्दोष नहीं है, उसका दोषी है, तो कोई नहीं आता दर्शकों।